हेलो गाइस, सो फाइनली स्मार्टफोन के बाद अब इन्फिनिक्स ने अपने नए लैपटॉप को भारत में लॉन्च किया है, जो कि इन्फिनिक्स इनबुक 1X के नाम से आते हैं। काफ़ी लंबा नाम है, बट काफ़ी शानदार स्पेसिफिकेशन और अफोर्डेबल प्राइस के साथ इन्फिनिक्स के ये लैपटॉप आते हैं। अगर आप एक लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं, तो क्या आपको इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले ये लैपटॉप लेने चाहिए या फिर कोई दूसरा लैपटॉप लेना चाहिए, तो आज की वीडियो में इन्हीं कुछ पॉइंट की बात करने वाले हैं। इन्फिनिक्स ने अपनी इनबुक सीरीज में दो नए लैपटॉप को लॉन्च किया है, जिसमें आपको तीन प्रोसेसर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें बेस वेरिएंट में आपको Core i3 और Core i5 देखने को मिलते हैं, और वहीं टॉप एंड वेरिएंट में आपको Core i7 देखने को मिलते हैं। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इन लैपटॉप में आपको 14 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है। अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो इन लैपटॉप में आपको 60 हर्ट्ज की स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। साथ ही इन लैपटॉप में आपको 100% sRGB कलर देखने को मिलता है, तो काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप इन लैपटॉप को वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग पर्पज से लेना चाहते हैं। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इन लैपटॉप में आपको फुल मेटल बॉडी देखने को मिलती है, तो काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ ये लैपटॉप आते हैं। साथ ही में 1.43 ग्राम का लाइट वेट भी देखने को मिलता है, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ इन्फिनिक्स के ये लैपटॉप आते हैं। अगर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन लैपटॉप की बात करें तो इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले ये लैपटॉप तीन प्रोसेसर वेरिएंट के साथ में आते हैं, जहाँ पे बेस वेरिएंट में आपको इंटेल का Core i3 प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो वहीं मिड लेवल में आपको इंटेल का Core i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको इनबुक 1X प्रो लैपटॉप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 10 जनरेशन का इंटेल Core i7 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तीनों ही प्रोसेसर वेरिएंट में आपको 10 जनरेशन का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिलता है। अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले 1X लैपटॉप में आपको 8GB की रैम और 256GB की SSD भी देखने को मिलती है। इस लैपटॉप में आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, जो कि 8GB की है। साथ ही में NVMe 256GB की फास्ट SSD भी देखने को मिलती है। और वहीं अगर आप Core i5 वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको 8GB की रैम के साथ में 512GB की NVMe SSD भी देखने को मिलती है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो उस लैपटॉप में आपको 16GB की LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, साथ ही में 512GB की NVMe SSD भी देखने को मिलती है। तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको काफ़ी अच्छी खासी रैम देखने को मिलती है। एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में इस लैपटॉप में आपको आइसस्ट्रॉम 1.0 लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हीट मैनेजमेंट करेगी। तो आप अगर लंबे समय तक वर्क करते हैं या फिर गेम प्ले करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह की हीट मैनेजमेंट आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलेगी। साथ ही अगर माइक्रोफोन और स्पीकर की बात करें तो इन्फिनिक्स के इनबुक लैपटॉप में आपको DTS साउंड देखने को मिलते हैं, साथ ही में 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है। साथ ही अगर बटन और पोर्ट्स की बात करें तो इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इन लैपटॉप में आपको बेसिकली सभी तरह के पोर्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक USB पोर्ट के साथ में एक HDMI और तीन USB 2.0 पोर्ट भी देखने को मिलते हैं। अगर आप इन्फिनिक्स के टॉप एंड वेरिएंट को लेते हैं तो उस लैपटॉप में आपको इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। अगर वेबकैम की बात करें तो इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इन लैपटॉप में आपको 720 वेबकैम देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो उस लैपटॉप में आपको प्राइवेसी शील्ड भी देखने को मिलती है। साथ ही बेस वेरिएंट और मीडियम वेरिएंट में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, बट अगर आप एक टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो बेस और मीडियम वेरिएंट में आपको वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5 देखने को मिलता है, और वहीं टॉप एंड वेरिएंट में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 के साथ में वाईफाई 6 भी देखने को मिलता है। अगर बैटरी की बात करें तो इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इन लैपटॉप में आपको 55 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 10 आवर तक का बैटरी बैकअप दे सकती है। साथ ही इन लैपटॉप में आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इन लैपटॉप में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, तो कंपनी के मुताबिक ओनली 55 मिनट में आप 70% तक इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी सही बैटरी और फास्ट चार्जिंग के साथ इन्फिनिक्स ने इन लैपटॉप को लॉन्च किया है। अगर प्राइस की बात करें तो इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इनबुक 1X लैपटॉप की प्राइस आपको 35,000 अराउंड देखने को मिलती है, जिसमें आपको 10 जनरेशन का इंटेल Core i3 प्रोसेसर देखने को मिलता है।
साथ ही अगर आप इंटेल कोर i5 वर्जन लेते हैं तो उस लैपटॉप की प्राइस आपको 45,000 अराउंड देखने को मिलती है, जिसमें आपको 8GB की रैम के साथ में 512GB की SSD भी देखने को मिलती है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो उस लैपटॉप की प्राइस आपको 55,000 अराउंड देखने को मिलती है, जिसमें आपको 10th जनरेशन का इंटेल कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ ही में 16GB की रैम और 512GB की SSD भी देखने को मिलती है। तो ऑन पेपर इन्फिनिक्स के ये लैपटॉप काफ़ी शानदार स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं, जिसमें आपको 14 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले के साथ में एक पावरफुल प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, साथ ही में एक मेटल बॉडी भी देखने को मिलती है जो कि इस लैपटॉप को काफ़ी प्रीमियम बनाती है। जनरली इस प्राइस सेगमेंट में आपको किसी भी लैपटॉप में इतनी हाई एंड स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलती, बट इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इनबुक सीरीज के लैपटॉप में आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर आप इन्फिनिक्स के ये लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो पहले इन लैपटॉप का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू और सर्विस ज़रूर चेक कर लें। इन्फिनिक्स एक नया ब्रांड है लैपटॉप के सेगमेंट में, तो इनका रिव्यू और सर्विस चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल स्पेक्स और प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे इन्फिनिक्स के ये लैपटॉप। अब देखना होगा इन्फिनिक्स इन लैपटॉप की सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड कराता है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी गैजेट्स और टिप्स रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो यार चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।